इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपिक की ज़रूरत कब पड़ती है, उसके इंडिकेशंस क्या है, कैसे की जाती है और उसके बाद रिकवरी के लिए कितने दिन लगते हैं, तो जानिए सारे आंसर्स इस वीडियो में। लेकिन आपको इसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लैप्रोस्कोपी इन इनफर्टिलिटी। तो उसके पहले हम फर्टिलिटी का फिजियोलॉजी समझ के लेते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी रहने के लिए हमें चाहिए एग और स्पर्म। आपकी बॉडी में एक यूट्रस होता है, उसके दो बाजू में दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और उसके दो बाजू में दो ओवरीज होते हैं। दोनों में से एक ओवरी में हर महीने में एक फॉलिकल बढ़ता है, उसके साथ उसके अंदर का एग भी बढ़ता है। 14 डे को फॉलिकल ओपन होगा, एग बाहर आ जाएगा, ट्यूब में चला जाएगा। 24 आवर्स के लिए वो एग अलाइव है, तब तक स्पर्म वहाँ तक पहुँच पाएगा। वो तो दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे, फ्यूज होके एक साथ फर्टिलाइज होते हैं, तो उसका एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो बढ़ता जाता है और यूट्रस की तरफ भी मूव करता है, और यूट्रस के अंदर का लाइनिंग उसके लिए रेडी है, तो वो एम्ब्रियो वहाँ पे चिपक जाएगा और प्रेगनेंसी रह जाएगी। अभी देखते हैं कि हम लैप्रोस्कोपी में क्या करते हैं। तो बेसिकली ये एक ऑपरेशन है जो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, कंप्लीट एनेस्थीसिया देकर। इसमें हम आपके यूट्रस के अंदर टेलीस्कोप डालते हैं जो कि स्क्रीन से कनेक्टेड होता है कैमरा, और हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अंदर एब्डोमिनल कैविटी में क्या कंडीशन है। उसी के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो उस प्रॉब्लम को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। यूजुअली लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी के साथ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लैप्रो हिस्ट्रोस्कोपी। तो ये कौन से केसेस में काम आ जाएगा? अगर किसी पेशेंट्स के ट्यूब्स ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, तो हम ट्यूब को रिकेनलाइज करके उसको ओपन करने का कोशिश कर सकते हैं, या ट्यूबोप्लास्टी करके उसको ओपन करवाने का कोशिश कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें लैप्रोस्कोपी लगेगा। किसी किसी पेशेंट के ट्यूब में पानी भरा हुआ रहता है, ट्यूब्स इन्फेक्टेड रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोसाल्पिंग्स। तो ऐसे केसेस में वो हाइड्रोसाल्पिंग्स को हमें निकालना पड़ता है, सेल्पिंगेक्टॉमी करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हमें लैप्रोस्कोपी का ज़रूरत पड़ेगा। किसी किसी पेशेंट्स में यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं और वो फाइब्रॉइड्स निकालना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे हमें फाइब्रॉइड्स निकालने के लिए, मायोमेक्टॉमी करने के लिए लैप्रोस्कोपी लगेगा। किसी पेशेंट्स में यूट्रस में सेप्टम रहता है, यानी कि कर्टन जैसा, पर्दा जैसा रहता है, या यूनिकॉर्नियल यूट्रस रहता है, तो वहाँ पे भी ये पैथोलॉजीज करेक्ट करने के लिए हमें लैप्रोस्कोपी लग सकता है। किसी किसी पेशेंट्स में ओवेरियन सिस्ट रहेगा, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रहेगा, या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस रहेगा आजू बाजू में भी, और जिसे कंट्रोल करने के लिए सर्जरी इंडिकेटेड रहेगी, तो वहाँ पे भी हमें लैप्रोस्कोपी से ही उस एंडोमेट्रियोसिस को निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ पे हमें पैथोलॉजी है और उसको करेक्ट करने का चांस है, वहाँ वहाँ पे हमें लैप्रोस्कोपी लगती है। लेकिन सिर्फ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, यानी कि आपके ट्यूब्स ओपन है या नहीं, वो देखने के लिए जो लैप्रोस्कोपी की जाती है, जिसमें सिर्फ देखा जाता है कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं, लेकिन अगर बंद है तो करेक्टिव प्रोसीजर उसी टाइम पे नहीं की जाती, तो वो डेफिनेटली हम एडवाइस नहीं करते। क्योंकि ये डायग्नोसिस करने के लिए कि आपके ट्यूब्स ओपन है या नहीं, हमारे पास सिंपल टेक्निक भी है जिसे हम HSG बोलते हैं। तो नॉर्मली लैप्रोस्कोपी सिर्फ ऑपरेटिव इंडिकेशंस में ही हम एडवाइस करते हैं। ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थेशिया हो जाता है। प्रोसीजर एक ही दिन का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नाइट का एडमिशन या मॉर्निंग टू इवनिंग डे केयर सर्जरी में भी हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, और उसके बाद 1-2 दिन के बाद, रेस्ट के बाद, आप नॉर्मल सब काम भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई स्टिच भी नहीं आएगा, छोटा सा 1-2 स्टिच का ही इंसिजन रहता है, लेकिन बड़ा स्टिच कोई नहीं आएगा, और कोई नॉर्मल लाइफ पे आपके रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, चेंबूर और घाटकोपर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।